हमारे प्रभु यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसके दसवें बाब की हम सत्रहवीं आयत से सुनी। एक दिन यीशु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। यीशु ने उससे कहा, तो मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू एहकाम से तो वाकिफ है, जना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, फ्रेब न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, है उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नज़र दुलाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊँट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। और पतरस यीशु से कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में सौ गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माओ और बाल बच्चों और खेतों को अजियत के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की जिंदगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई छाएं। मेरे जो आज के कलाम पर ज्ञान ज्ञान करने से पहले हम एक सवाल पर ज्ञान ज्ञान करते हैं या एक सवाल अपने आप से अपनी जिंदगियों से पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि हमें से कौन कौन खुदा की बादशाहत में, खुदा की हजूरी में या हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है। तो इस जवाब को मैं ही दे देता हूँ कि हमें से हर एक ये कहेगा कि जी हाँ, मैं जाना चाहता हूँ खुदा की हजूरी में, मैं खुदा की बादशाहत को हासिल करना चाहता हूँ, मैं खुदावंद से हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। हम में से हर एक का जवाब यही होगा, चाहे हमारे हालात कैसे हों, चाहे हमारे काम कैसे हों, हमारे अमाल कैसे हों, इन सब बातों के बावजूद हम क्या करते हैं, क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या तमन्ना करते हैं कि हम खुदावंद की हजूरी में जाएं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना? हम में से हर एक तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है कि वो खुदावंद की हजूरी में जाए। और ख्वाहिश के साथ साथ हम अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर में कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलें, कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम खुदावंद की राह पर चलें, लेकिन हालातों वाकयात हमें मजबूर कर देते हैं कि हम खुदा की राह से दूर हो जाएं, या फिर हमारी अपनी
काहली और सुस्ती हमें इस ज़िंदगी से दूर करती है। हालांकि खुदा हमें अपने से जुदा नहीं होने देता, खुदा हमें अपने से जुदा नहीं करता, वो तो हमें बार बार दावत देता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ औक़ात में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों में हमें बार बार दावत देता है कि हम उसके पास आए, हम उसके कलाम को सुने। और उसका कलाम जो हम सुनते हैं वो यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी में असर अंदाज हो जाता है, यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, कलाम को बदलता है। लेकिन हम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी डगर पर, अपनी राह पर हम चलते रहना चाहते हैं। लिहाजा मेरे जो आज का कलाम हमें दावा देता है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर ध्यान व ज्ञान करें कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी में दोधारी जो तलवार है उससे ज़्यादा तेज़ है, कैसे हमारे गूदे गूदे में, हड्डियों में जो गूदा होता है, अक्सर औकात कहते हैं जी हड्डियों में से जो घुटने में से उसका जो गूदा वो ख़त्म हो गया है जिससे हम चल नहीं सकते, ये कलाम वहाँ तक असर करता है, ये कलाम वहाँ तक हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। मेरे से जो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके पाँचवें बाब छठी आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे, वो आराम पाएंगे, वो तसल्ली पाएंगे, वो बरकत पाएंगे। कौन? जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, दौलत के भूखे प्यासे नहीं, आराम के भूखे प्यासे नहीं, अय्याशी के भूखे प्यासे नहीं, बल्कि कौन? जो रास्ते के भूखे प्यासे हैं। और रास्ते क्या है? खुदावंद की राह पर चलना। रास्ते क्या है? खुदावंद की निगाह को, खुदावंद के कलाम को अपनी निगाह में रखना, खुदावंद की राह को अपनी निगाह में रखना। और हिकमत की किताब उसके तीसरे बाब लिखा के रास्तकारों के लिए खुदा के हाथ में है और अजाब उन्हें ना छुएगा, जाहिलों की निगाह में गोया मर गए और उनका अजाब बदबख्ती समझा गया मगर वो आराम में है। ये रास्तकारों का बहुत ही बड़ा इनाम है, बहुत ही बड़ा इनाम है जो खुदा की राह पर चलने वाले हैं। दुनिया उनको जितना मर्जी जलील व ख्वार कर दे, दुनिया उनको जितना मर्जी मजबूर कर दे, लेकिन जब तक उनकी ज़िंदगी रास्तबाजी की होगी, रास्तकारी की होगी, खुदावंद के साथ वफादारी की होगी, तो यकीनी तौर पर खुदा का ये वादा है, खुदा की ये गारंटी है कि उसकी रूह खुदा के हथेली पर चली जाएगी। मेरे जो रास्ते जो है खुदा को पसंद है, और रास्ते का तल्लक जो है हिकमत से है, दनाई से है। और हिकमत ऐसी खूबी है जो बेऐब, लाफानी, नाकाबले नुकसान, नेकी की मुहब, तेज़ फहम, बेबंद मौसम, इंसान दोस्त, इंसाफ पसंद, मुतमिन कदीर और खुदा की रफ़ीक है। खुदा की ये दोस्त है। खुदा हिकमत देता भी है और हिकमत से प्यार भी करता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस भी लिखते हैं कि रास्तबाज खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। कौन खुदा की बादशाहत के वारिस हैं? रास्तबाज। कोई ऐरा गहरा नहीं, कोई इधर से उधर से नहीं, सिफारिश वाले भर्ती लोग नहीं, बल्कि कौन? जो रास्तकार हैं, जो खुदा की राह पर चलने वाले हैं, वो क्या हैं? खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। लिहाजा आज जो हमने दो तलावतें, तीनों तलावतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज की जो पहली तलावत हमने सुनी और इंजील मुकद्दस, उसमें हमें दो नौजवान नज़र आते हैं। पहली तलावत हमने हिकमत की किताब में से सुनी। हिकमत की किताब को हज़रत सुलेमान जो बादशाह है उससे मंसूब किया जाता है कि उस किताब को लिखने वाला, उसका लिखारी जो है हज़रत सुलेमान है। और हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान जब बतौर बादशाह मसह किया गया तो वह एक नौजवान था, और वह नौजवानी में खुदा से प्यार करता था, वो अपने बाप दाऊद की हदायत पर चलता था। और खुदावंद खुदा सुलेमान पर ख्वाब में ज़ाहर हुआ और उससे पूछा, कहा कि मांग मैं तुझे क्या दूँ। बहुत ही खूबसूरत वाक्या है।
कि जब जिसका जिक्र हमें पहला मालूक और उसके दूसरे या तीसरे बाब में मिलता है कि एक रात खुदा हज़रत सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे पूछा कि मांग मैं तुझे क्या दूँ। बहुत ही बड़ी बरकत, बहुत ही बड़ा फजल, बहुत ही बड़ी नेमत, बहुत ही अच्छा ख्वाब जो यकीनी तौर पर हम सब देखना चाहते हैं, जो यकीनी तौर पर हम हासिल करना चाहते कि काश खुदा मुझसे हम कलाम हो, काश खुदा मुझसे बात करे, काश खुदा मुझसे पूछे कि ऐ बंदा, ऐ बंदे बता मैं तुझे क्या दूँ। ये इस नौजवान की ज़िंदगी में ये मंजर आ गया। खुदा ने पूछा कि मांग मैं तुझे क्या दूँ। वो मांगने को बहुत कुछ मांग सकता था, मांग सकता था कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया पर काबज़ हो जाऊँ, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया की सबसे आला फौज बना सकूं, मुझे इतनी ताकत दे, इतना रुपया पैसा दे, इतने कीमती हीरे जवाहरात दे ताकि मैं अमीर, दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊं, मैं दुनिया पर काबज़ हो जाऊं। लेकिन इस शख्स ने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा था, क्या मांगा था? हिकमत मांगी थी। उसने ये कहा था कि ऐ खुदा, मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ जिसे तूने अपनी कौम में से चुन लिया है, बस तू अपने बंदे को फहम दिल अनायत कर ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी का इंसाफ करे और नेकी का प्रचार करे। लिहाजा उसने खुदा से हिकमत मांगी, उसने अपनी कौम का इंसाफ मांगा कि खुदावंद मुझे हिकमत दे ताकि मैं अपनी कौम का इंसाफ कर सकूं, मैं अपनी कौम की रहनुमाई कर सकूं। तो खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा मैं खुश हुआ हूं, मैं खुश हुआ हूं कि तूने रुपया पैसा नहीं मांगा, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने हिकमत मांगी है, क्योंकि हिकमत सारी चीज़ों की माँ है। हिकमत दानिश रुपये पैसे की भी माँ है, तक तो जलाल की भी माँ है। और मलूक की किताब में और हिकमत की किताब में ये वाज़ह तौर पर लिखा है, इंसाल की किताब में लिखा है कि जो हिकमत है ये तमाम चीज़ों की माँ है, तमाम नेकियों की माँ है, और ये रुपये पैसे की भी, तख्त जलाल की भी माँ है, क्योंकि हिकमत के साथ सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। हिकमत के साथ आप चांद पर भी पहुंच सकते हैं, हिकमत के साथ आप दिलों को भी जीत सकते हैं, दिलों पर भी राज कर सकते हैं। इसलिए हिकमत अपने आप बहुत खूबसूरत चीज़ है। मेरे अज़ीज़ों, हज़रत सुलेमान का ये ईमान था कि हिकमत नेमत खुदाबंदी है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि ये हर चीज़ को मुनव्वर करने की ताकत रखती है। ये इंसान को खुदा के करीब लाती है क्योंकि ये खुदा से निकली है, हिकमत खुदा से निकली है। इसलिए ये दौलत, शोहरत, उम्र की दराजी, तख्त की शान शौकत हिकमत के सामने नाचीज़ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर ज़िंदगी में दौलत उम्दा मलकियत है तो हिकमत से जो सब चीज़ों की बनाने वाली है कौन ज़्यादा दौलतमंद होगा। इसलिए सुलेमान ने इन चीज़ों की परवाह न की बल्कि चीज़ों के खालक की ख्वाहिश की। उसने चीज़ों को नहीं मांगा बल्कि उसने क्या मांगा, उसने खुदा ही मांग लिया, क्योंकि खुदा खुद हिकमत है, खुदा खुद दनाई है। उसने चीज़ों की परवाह नहीं की बल्कि उसने चीज़ों को बनाने वाले की परवाह की, उसने चीज़ों, जो चीज़ें बांटने वाला है उसकी परवाह की, क्योंकि आसान सा फॉर्मूला है, जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास बादशाह है उसके पास सारी सल्तनत है। तो खुदा बादशाहों का बादशाह है, सभी सल्तनत उसी की है। तो सुलेमान ने वही कुछ मांग लिया। आज के अंजील मुकद्दस में भी हमने सुना कि एक शख्स, एक नौजवान दौड़ा दौड़ा खुदा यीशु मसीह के पास आता है और आकर उसके आगे घुटने टेक लेता है। ये उसका अंदाज देखें, ये उसकी आजजी देखें, उसकी हलीमी देखें, उसकी फर्माबरदारी देखें, उसके मांगने का अंदाज देखें कि वो आया है और घुटने टेकते हैं और पूछा कि ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं। वो मसीह खुदा उनको नेक कहता है,
जवानी में किसी के आगे झुकना आसान नहीं है, क्योंकि जवानी में ख्यालात बहुत बुलंद होते हैं। बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, तब हम आजिज़ हो जाते हैं, लेकिन जवानी में हम मगरूरी की हालत में होते हैं। जवानी में हमारी सोचें आसमान तक पहुंची होती हैं, हमारे ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करते। किसी नौजवान को ना कि माफ़ी मांग ले, कहेगा मैं क्यों मांगूं। लेकिन यहाँ पर देखें कि नौजवान है, आगे मसीह के आगे आकर वो घुटने होता है, घुटने होता है, यानी कि अपने आप को उसके हुजूर पेश कर देता है और कहता है कि ऐ खुदा कि मुझे बताओ कि मैं हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाऊँ। मसीह खुदा उससे कहते हैं कि तू खुदा के हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है मैं तो ये जवानी में कर, जवानी ही से कर रहा हूँ। उसका ये दावा है कि मैं जवानी ही से कर रहा हूँ। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर निगाह की और कहा और उसे अजीज जाना। मसीह खुदावंद दिलों और गुर्दों के भेदों को जानते हैं। जब उसने कहा कि मैं तो जवानी ही से, लड़कपन ही से इन पर अमल करता आया हूँ, तो मसीह खुदावंद ने उसे अजीज जाना, क्योंकि वो बात हकीकत थी, वो झूठ पर मबनी नहीं थी, उसके कौल करार में तजाद नहीं था, वो हकीकतन इन बातों पर अमल करता रहा था। वो इन गुनाहों से दूर था, वो इन बदियों से दूर था, वो जनाकारियों से दूर था, वो अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला था, वो चोरी नहीं करता था, झूठी गवाही नहीं देता था, कसम नहीं खाता था। तो मसीह यीशु ने उसे अजीज जाना, लेकिन एक ही बात का शिकवा किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक बात की तुझ में कमी है, और वो बात क्या है कि जाओ अपना सब कुछ बेच डाल और किनको दे दे, गरीबों को दे दे। बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया कि अपना सब कुछ बेच डाल दे और किनको दे दे, गरीबों को दे दे, और इसका असर क्या होगा, इसका जो अजर क्या होगा, बताएं आप में से कोई बताए अब क्या होगा। आसमान पर खजाना मिलेगा, किसी बादशाह से नहीं मिलेगा, किसी इंसान से नहीं मिलेगा। जब हम गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों की मदद करते हैं, यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि उसे आसमान में खजाना मिलेगा, उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और आकर क्या हो, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा। लेकिन वो शख्स उदास होकर चला गया, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही अमीर था, बहुत ही ज़्यादा अमीर था। मेरे जो अमीर होना गुनाह नहीं, अमीर होना गुनाह नहीं, लेकिन अमीरी में अपने आप को भूल जाना, अपने खुदा को भूल जाना, अपने गरीबों को, अजीज़ों को भूल जाना, ये गुनाह है। अगर अमीर होना गुनाह होता तो हज़रत इब्राहिम क्यों अमीर होता, अगर अमीर होना गुनाह होता तो दाऊद क्यों अमीर होता। बहुत सारे कलाम मुक़दस में ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर थे लेकिन फिर भी वो खुदा से प्यार करने वाले थे। इब्राहिम अमीर था, खुदा ने कहा छोड़ के चला जा, वो चला गया। कहा बुढ़ापे में औलाद दी, बेटा दिया, कहा कि इसे मेरी राह में कुर्बान कर दे, वो कुर्बान होने करने के लिए चला गया। अमीर था लेकिन खुदा से प्यार भी करता था। यहाँ पर ये शख्स अमीर है लेकिन खुदा से प्यार करता है, लेकिन खुदा के लोगों से प्यार नहीं करता। मुकद्दस यकूब रसूल अपने खत में लिखते हैं कि अमाल जो हैं बगैर अमल के मुर्दा हैं, काम जो हैं, हमारी जो बातें हैं, कलाम जो है, अमाल के बगैर मुर्दा है। जब हमारी ज़िंदगी में अमली पैगाम ना हो तो हमारी बातों में तासीर नहीं, जब हमारे ज़िंदगी में अमली चीज़ें ना हो। मसीह यीशु ने भी कहा कि जो मेरे कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। मेरे जो इन्हीं बातों ने
बहुत सारे मुकद्दसीन की ज़िंदगी को बदला। इन्हीं में से एक मुकद्दस है जिसका जिक्र 12वीं और 13वीं सदी में मिलता है। उसने वो भी अपने बाप का बहुत ही असीसी का रहने वाला था, अपने बाप का वो लाडला था, उसका बाप सौदागर था, कपड़े का काम करता था, बहुत ही अमीर था। उस शख्स ने भी, उस नौजवान ने भी अपना आप खुदा को दे दिया। एक दफ़ा उसके बाप ने उसे लड़के को कहा कि जाकर तो आप काम कर और यह कपड़ा जो मैंने तुझे दिया देता हूँ तो जाकर क्या कर, बेच रहा बेच और अपने पाँव पर खड़ा हो, कारोबार कर। वो शख्स गया और जाकर वो कपड़ा सारा गरीबों को दे दिया। गया, उसने कहा बहुत सारे लोग नंगे हैं, उनको दे दिया। वापस आया, बाप ने पूछा उसका रुपया पैसा या मुआवजा जो कमाया वो कहाँ है। उसने कहा मैंने वो गरीबों को दे दिया। बाप नाराज़ हुआ, बाप ने घर से निकाल दिया। बाप ने कहा कि ये जो लिबास तूने पहना है वो भी मेरा है, क्योंकि उसने कहा, नौजवान ने कहा था कि ये खुदा की बरकतें जो हमें मिली हैं हमें लोगों को बांटनी चाहिए, गरीबों को देनी चाहिए। तो बाप ने कहा कि तू जो इतना सखी बना फिरता है, तेरे तन पे तेरे जिस्म पे जो लिबास है वो मेरा दिया हुआ है। उसने कहा अगर तूने दिया तो ले ले, जिसने मुझे पैदा किया मुझे दे देगा। और उसने घर छोड़ दिया, उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने खालक की पैरवी की। और वो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी था, जिसकी हमने 4 अक्टूबर को ईद मनाई, 4 अक्टूबर को ईद मनाई, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी। जो ये जो मखलूक है, दरख्त हैं, परिंदे हैं, उनसे प्यार करता था, आग पानी से प्यार करता था, उनको अपने बहन भाई कहता था। इसी तरह के एक और मुकद्दस है, मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर, जो गोवा में आए, जिन्होंने प्रचार किया। उनकी ज़िंदगी भी इस कलाम ने, जो दो धारी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इस कलाम ने उसकी ज़िंदगी को बदला। वह कौन सा कलाम था? मुकद्दस लूका की अंजील उसके नामे बाप की 23वीं आयत से, कि इंसान को क्या फ़ायदा अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए। इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, दुनिया का जितना मर्जी रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन आखिर में अपनी जान का नुकसान उठाए तो उस दौलत का क्या फ़ायदा। इस आयत ने फ्रांसिस जेवियर की ज़िंदगी को बदल डाला, क्योंकि वो भी अमीर था, उसने भी खुदावंत के लिए अपना आप दे दिया, बहुत पढ़ा लिखा था। इसके बाद अग्नेशियस ऑफ लॉयला, उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। उसने जब वो जवानी में खुदा से दूर था, बेरारवी का शिकार था, तो उसकी ज़िंदगी में खुदा नहीं था। जब उसकी ज़िंदगी में हादसा हुआ, बीमार हुआ, उसकी टांग ज़ख्मी थी, डॉक्टर ने कहा टांग काट दी जाएगी, तो फिर उसे खुदा नज़र आया, खुदा से दुआ मांगना शुरू की, फिर कलाम खोला। और कलाम जब खोला रसूलों के अमाल में, तो उसने देखा कि रसूलों पर कौन कौन से जुल्म हुए थे, उसने देखा कि कैसे कैसे उनको आज़ादियाँ दी गई। उन्होंने मुकद्दसीन के हालात ज़िंदगी को पढ़ा और उसकी ज़िंदगी बदल गई। और उसकी सोच में ये सोच आई कि अगर ये लोग मुकद्दस हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, अगर खुदा इनको मुआफ़ कर सकता है तो मुझे मुआफ़ क्यों नहीं कर सकता, अगर ये नेक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता, हम भी नेक हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुकद्दसीन हैं जिनकी ज़िंदगी में, जिनकी ज़िंदगी को खुदा ने बदल दिया, जिनकी ज़िंदगी को कलाम ने बदल दिया, और जिन्होंने कलाम को तरजीह दी, जिन्होंने रुपये पैसे को तरजीह नहीं दी, क्योंकि रुपया पैसा हमें मजबूरी की तरफ ले जाता है, हमें बाज़ात खुदा से दूर ले जाता है, लेकिन रुपया पैसा हमें हलीम भी बना देता है, हमें ताबेदार भी बना देता है, हमारे अंदर खौफ खुदा भी लेकर आ जाता है, जिसकी बेशुमार मिसालें हैं। अब्दुल सारीदी है, सिस्टर डॉक्टर रूथ फाओ है, ये बेशुमार हमारे दौर की मिसालें हैं। मदर टेरेसा हैं, जो हमारे दौर की मिसालें हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दी। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे घराने हैं जो हिकमत की तलाश में हैं। हिकमत जो अमली है वो हमें ज़िंदगी दे देती है।
लिहाजा मेरे से जो आज जब हम खुदावंत के हुजूर आए हैं, खुदावंत खुदा का कलाम हमने सुना है, इन बातों को सुना है, तो आज अपने अपनी ज़िंदगियों का शुक्र गुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करें खुदा की सारी नियमतों का, बरकतों का, कि खुदा ने जो भी नियमतें दी हैं, जिस हाल में भी रखा है, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और शुक्रिया अदा करें ऐसे मोहसिनों का जिनके वसीला से कलीसिया काम होते हैं, जिनके ज़रिए कलीसिया काम सर अंजाम देते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मगरूरी को नहीं बल्कि हलीमी को पसंद करते हैं। आए उनके लिए भी दुआ करें जो रुपये पैसे को अपना खुदा बना लेते हैं, और रुपये पैसे को खुदा बनाने से उनकी ज़िंदगी से मोहब्बत और हलीमी, आजजी और खुदा का खौफ जाता रहता है। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद ऐसे लोगों को राह रास्त पर लाए, और बिलखसूस हमारे नौजवानों को राह रास्त पर लाए, ताकि हमारे नौजवान भी खुदावंद की तरफ आएँ, खुदावंद की तरफ रुजू लाएँ, इस बात को सोचें कि इंसान को क्या फ़ायदा अगर तमाम दुनिया वो हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठा दे। एक दिन हमने जाना है, लिहाजा मेरे चीज़ों ये सवाल जो मैंने शुरू में किया था कि कौन कौन खुदावंद के पास जाना चाहता है, कौन कौन खुदा की बादशाहत में जाना चाहता है, तो हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए अमली ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। ये नहीं कि जब हम इस जहाँ से जाएं तो हमारा एक अच्छा बड़े अंदाज में खूबसूरत हमें खूबसूरती के साथ रुखसत किया जाए, अच्छा जनाजा पढ़ा जाए, बहुत सारे लोग आएँ, ये हमें खुदा की हुज़ूरी में नहीं लेकर जाएगी, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अमाल हमें खुदा की हुज़ूरी में लेकर जाएंगे। आएँ खुदा उनसे दुआ करें और अपनी आखिरत के लिए दुआ करें कि खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी दे, और हमारे कामों को जो इस धरती में रह कर करते हैं हमें रास्तबाज ठहरने की बरकत दे, रास्तकारी की बरकत दे, ताकि हम रास्तबाज बनते हुए खुदा उनकी राहों को पहचानें, उसकी राह पर चलें और हमेशा ज़िंदगी पाने वाले बने। मसीह हमारे खुदा के वसीला।